जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर अयोध्या नगरी लौटे थे, तब अयोध्या वासियों ने दीपावली पर्व मनाकर उनका स्वागत किया था। आज भी दीपावली महापर्व को उसी उत्साह के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं जीएन भारत की पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी दर्शकों को हैप्पी दिवाली। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दिवाली पर इस साल भी बस 2 घंटे ही पटाखे जलाने की अनुमति होगी, इसलिए रात 8 बजे से 10 बजे तक का ही समय निर्धारित किया गया है। इसके अलावा अन्य त्योहारों पर भी पटाखे जलाने की समय सीमा निर्धारित कर दिया गया है। प्रदूषण न फैलाए इसे देखते हुए यह आदेश दिया गया है। JSPCB के सदस्य सचिव YK दास ने बताया कि राज्य के सभी जिलों के शहरी इलाकों में वायु गुणवत्ता के स्तर इस साल अच्छा या संतोषजनक पाया गया है। दीपावली और गुरु पर्व पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक और छठ पर्व पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक पटाखे फोड़ने वालों को पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। इसका उल्लंघन करने पर भारतीय पिनल कोड IPC की धारा 180 और वायु प्रदूषण के रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 37 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड ने राज्य की राजधानी रांची में 4 स्थानों पर दीपावली की रात 6 बजे से 12 बजे के बीच ध्वनि प्रदूषण को मापने का निर्णय लिया है। बोर्ड के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि उच्च न्यायालय डोरंडा साइलेंस जोन, अशोक नगर आवासीय क्षेत्र और अल्बर्ट एक्का और कचहरी चौक में ध्वनि स्तर का परीक्षण किया जाएगा। बोर्ड ने 18 अक्टूबर को निर्धारित क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को मापा था और यह पाया गया कि दिवाली त्योहार से पहले मौन क्षेत्र में अनुमेय सीमा से 47% की वृद्धि हुई है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।